हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी का एक्सरसाइज 3.7 करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर फिर भी ये एक्सरसाइज करना, मतलब कि आप ये अगर एक्सरसाइज आपको पूरा समझ में आ जाता है और आप बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर 3 जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड्स का एज है अनी एंड बीजू, दो फ्रेंड्स है उनका एज का डिफरेंस है 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल का डिफरेंस है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, ठीक है, अनी के जो पापा हैं वो धर्म नाम है उनका, धर्म का जो उन मतलब अनी के एज का डबल है धर्म का एज, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बीजू का जो एज है वो उसकी बहन है एक कैथी, उसके एज का डबल है। समझ में आ रहा है, अनी का एज उसके पापा के एज का डबल है, बीजू का एज उसकी सिस्टर कैथी के एज का डबल है, और धर्म और कैथी यानी अनी के पापा और बीजू की बहन के एज के बीच में 30 साल का डिफरेंस है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू, बीजू और अनी के एज को निकालो, यही क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सभी के एजेस को कोई वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका अनी और बीजू का एज है, इन दोनों का एजेस का दो इक्वेशंस हमको फॉर्म करना होगा। वो दो इक्वेशंस फॉर्म होते ही क्या होगा, हमको सॉल्यूशन मिल, मतलब उसके हम उन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे और हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट द एजेस ऑफ अनी बीजू धर्म एंड कैथी बी, ठीक है, सबके एज को ले रहे हैं। अनी मान लीजिए एक्स, बीजू वाई, धर्म जेड और कैथी ए, रेस्पेक्टिवली, या रेस्पेक्टिवली लिख देना है, मतलब कि अनी का हो गया एक्स, बीजू का हो गया वाई, धर्म का हो गया जेड और कैथी का हो गया ए। अगर हम रेस्पेक्टिवली नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमने माना है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है। अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हमको नोट करते जाना है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव अनी एंड बीजू का एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है, अनी का एज एक्स, बीजू का वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 ईयर्स, ठीक है, दोनों के एज का डिफरेंस हमने क्या मान लिया, 3 ईयर्स ही हमको दिया हुआ है। तो पहला सिंपल एक्स और वाई का इक्वेशन हो गया, इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए दूसरा जो कह रहा है, अब हमको कह रहा है कि अनीस फादर, अनीस के फादर का एज जो है, फादर का एज क्या लिए, धर्म का एज लिए जेड, जेड इज इक्वल्स टू क्या है, अनी के पापा का जो एज है अनी से डबल है, तो अनी का एज क्या लिए है, अनी का एज लिए हम एक्स, अनी के पापा का एज क्या इज इक्वल्स टू वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि बीजू जो है अपनी बहन के एज का डबल है, मतलब बीजू का एज क्या लिए है वाई, वो उसका एज कितना, अपनी बहन के एज का डबल है, मतलब टू ऑफ ए, ठीक है ये। तो यहां से अगर आप ए का वैल्यू निकालें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन टू, है ना, ए इज इक्वल टू इधर आ जाएगा वाई अपॉन टू। अब इसके बाद लास्ट जो हमको बोल रहा है कि धर्म और कैथी का एज में कितने साल का डिफरेंस है, देखिए 30 ईयर्स का डिफरेंस है, किसके किसके एज में, धर्म के एज में और कैथी के एज में। धर्म का एज कितना है, देखिए धर्म का एज हमने जेड लिया था, कैथी का एज हमने क्या लिया था, ए लिया था, ठीक है, तो मतलब जेड माइनस ए जो है वो कितना है 30 ईयर्स। तो जेड का वैल्यू है हमारे पास 2x, माइनस ए का वैल्यू है वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 30, है ना, इक्वल्स टू 30। अब क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 30, टू उधर चले जाएगा, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, 4x
माइनस वाई इक्वल टू 60, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारे दो इक्वेशंस हो गए, है ना। अब देखिए दोनों में माइनस वाई है, तो हम इसको वाई को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, हम बस इस इक्वेशन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, है ना। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 2 में 1 घटा रहे हैं आप, 1 में 2 भी घटा सकते हैं आपका इच्छा है। 4x minus y equals to 60, माइनस क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे x minus y equals to 3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, सब्ट्रैक्ट करते समय सभी का साइन चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे 4x minus x हमारे पास क्या बचा, 3x equals to y, y कैंसिल हो गया, आया क्या 60 माइनस 3 तो 57, x इज इक्वल टू क्या आया 57 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19, है ना, 319 सर 57, x का वैल्यू आ गया 19 इयर्स, है ना, 19 साल किसका एज हो गया, 19 इयर्स हो गया किसका, अनी का एज हमारे पास आ चुका है, क्योंकि अनी हमने x लिया था। अब हमारे पास क्या है, अब हमको लेना है किसका एज, बीजू का एज निकालना है। तो पहला इक्वेशन में इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन 1, तो क्या है हमारा इक्वेशन 1, 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यही है, वाई उधर चले जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 ईयर्स, है ना, y इज इक्वल टू क्या आ गया 16 ईयर्स, x इज इक्वल टू क्या आया था 19 ईयर्स, तो यही हुआ हमारा, ठीक है, एज हम लोग लिख सकते हैं, हेंस द एज ऑफ अनी इज 19 ईयर्स एंड दैट ऑफ बीजू इज 16 ईयर्स। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड I sell then become twice as rich as you, कहता है कि मुझे 100 रुपीस दे दो तो जितना तुम अमीर होगे उस समय देने के बाद उससे उसका डबल मैं अमीर हो जाऊंगा, ठीक है, एक इंसान कहता है दूसरे को, और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि इफ यू गिव मी 10 आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीस दे दो, सिर्फ 10 रुपीस दे दो तो मैं तुमसे 6 टाइम्स ज्यादा रिच हो जाऊंगा, ठीक है, तो आपको बताना है कि द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, मतलब पैसा लेन देन से पहले, ठीक है, सिर्फ लोग बात कर रहे हैं, इस समय उनके पास कितने पैसे हैं ये आपको बताना है, ठीक है, इसके लिए हम लोग, हमको मानना होगा लेट देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, हमने रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एक्स एंड वाई ले लिया, मतलब एक्स हो गया फर्स्ट वन का कैपिटल, वाई हो गया सेकंड वन का कैपिटल, ठीक है, ये हमने ले लिया है यहां पर, इसको लेने के बाद, ठीक है, ये जो है लेट देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एक्स एंड वाई हमने ले लिया, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, सिंपल इक्वेशन फॉर्म होंगे, ठीक है, एकदम इजी है। अब देखिए कहता है गिव मी 100, पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गिव मी 100, पहला बोल रहा है, पहला का कितना है x है, तो उसने 100 रुपया मान लीजिए ले लिया, तो y का क्या होगा, y का हाल हो जाएगा उसका, 100 रुपया कम हो जाएगा उसके पास जितने भी पैसे थे उसमें, है ना, y के पास जितने भी पैसे थे उससे क्या हुआ, उसके पास 100 रुपए कम हो गए। इसके बाद कहता है गिव मी 100 आई सेल बिकम ट्वाइस एज रिच यू, मतलब जिससे उसने पैसे लिए उसका ये डबल अमीर हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस, टू टाइम्स, है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहां से हम थोड़ा सा फॉर्म करके इक्वेशन बना लेते हैं, एक्स प्लस 100 इक्वल्स 2y माइनस 200, 2y इधर लेते हैं, ये 100 को इधर लेते हैं, ये तो आपका क्या जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 200 माइनस 100, इंप्लाइज दैट x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन,
दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस 300, ठीक है, इसको आप कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास दूसरा जो वैल्यू है, दूसरी बार वो क्या बोल रहा है, दूसरी बार कहता है इफ यू गिव मी 10, सिर्फ कितना मांग रहा है 10 रुपए, कौन मांग रहा है, तो इस बार y मांग रहा है, कितना मांग रहा है 10 रुपए मांग रहा है, ठीक है, हाँ y मांग रहा है, कितना मांग रहा है तो 10 रुपया मांग रहा है, किससे मांग रहा है, x से मांग रहा है, ठीक है, जो दे रहा है उसमें 10 रुपया घट जाएगा, जो मांग रहा है उसमें y उतना बढ़ जाएगा, ठीक है, यही यहां पे भी किए थे, y दे रहा था तो y में 100 घट गया, x ले रहा था तो x के पास 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो हमारे पास है x माइनस 10 इक्वल्स टू y प्लस 10, इसके बाद कहता है कि इफ यू गिव मी 10, अगर इसको 10 रुपया दे दिए तो ये जो है इसका कितना टाइम्स रीच हो जाएगा, 6 टाइम्स, है ना, लिखा है 6 टाइम्स जो है ये जो ले रहा है पैसा उसी का ना पैसा बढ़ेगा, सिंपल सा बात है, तो कितना बढ़ जाएगा, इससे 6 टाइम्स बढ़ जाएगा उसका पैसा, ठीक है। तो अब यहां पे हमने 6 कर दिया, अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × x क्या हो जाएगा, 6x - 60 इक्वल्स टू y प्लस 10, y इधर आएगा 60 उधर जाएगा, तो 6x - y इक्वल्स टू 10 - 60, तो 6x - y इक्वल्स टू क्या हो गया, -50, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 था, तो ये जाके यहां क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 70, ठीक है, 10 + 60 = 70, ये आ गया। अब देखिए क्या है, ये 70 हो गया और यहां पे क्या है -300, इसमें देखिए अब आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इजीएस्ट मेथड हमको लगता है, ठीक है, अब आपको जो लगता है वो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है अ ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक ट्रेन ने एक मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कहता है कि इफ ट्रेन वुड हैव 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कहता है कि अगर ट्रेन जो है 10 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा तेज चलता तो उसको जो है 2 आवर्स कम टाइम लगता, ठीक है, जितना टाइम लगा वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उससे कम टाइम लगता 2 घंटा, और एंड इफ द ट्रेन वेन वेयर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आर, अगर जो है ट्रेन जो है 10 किलोमीटर पर आर क्या होता स्लो होता अपने ओरिजिनल स्पीड से तो उसको क्या होता 3 आवर्स जो है वो ज्यादा लगता मोर देन इट्स शेड्यूल टाइम, मतलब जिस टाइम में उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल किया उससे कितना ज्यादा लगता था 3 घंटा ज्यादा लगता। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताइए, पूरे क्वेश्चन में हमको टाइम और स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, लास्ट में डिस्टेंस पूछ लिया तो डिस्टेंस को हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, हम लोग टाइम और स्पीड को ही मान लेते हैं, ठीक है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्केड्यूल्ड टाइम बी वाई आर, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यूनिफॉर्म स्पीड जो बोला गया है उसको एक्स किलोमीटर पर आवर ले लिया और जो स्केड्यूल्ड टाइम है मतलब जिस टाइम में ट्रेन पहुंचा था स्टेशन वो डिस्टेंस ट्रेवल किया था ट्रेन ने उसको वाई आवर्स ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद हमारे पास देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, क्लास 9 में ही पढ़ा ये फॉर्मूला है तो याद ही होगा, स्पीड कितना लिया है एक्स, टाइम कितना लिया है वाई, तो क्या हो गया एक्स वाई किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए यहां पे है क्या बात, बात यह है कि टाइम और स्पीड तो चेंज कर रहे हैं हम पर डिस्टेंस सेम रह रहा है, तो इसलिए अगर जो हमने स्पीड को चेंज किया उसके कारण जो टाइम चेंज हुआ उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, उसी से यहाँ पे हमारा क्या बनता है कंडीशंस जो है हमारे इक्वेशंस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, कैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है कि
अगर ट्रेन 10 किलोमीटर तेज होता, 10 किलोमीटर पर आवर तेज होता, तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम 2 घंटा कम लग रहा है, ठीक है। टाइम सॉरी स्पीड क्या है यहाँ, एक्स है, एक्स प्लस 10 कर दिए, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर उसको बढ़ा दिए, और टाइम को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं दो आवर्स। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस है कितना, तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बस हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो एक्स इंटू आई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस टू एक्स, 10 इंटू वाई प्लस 10 वाई, 10 इंटू 2 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स वाई। अब इसमें एक्स वाई को और 20 को उधर भेज दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, -2x + 10y इक्वल्स टू एक्स वाई -xy + 20। तो ये कैंसल आउट हो गया xy, आपका जो इक्वेशन फॉर्म हुआ यहाँ क्या आया, -2x + 10y = 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, ठीक है, -2x + 10y = 20, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा इक्वेशन का बात करें, तो सेकंड इक्वेशन देखिए क्या फॉर्म होगा, कि अगर ट्रेन 10 किलोमीटर क्या होता, स्लो होता, 10 किलोमीटर पर आवर स्लो होता, मतलब स्पीड में 10 माइनस करना पड़ेगा, तो टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स मोर लग रहा है, मतलब टाइम में 3 ऐड करना पड़ेगा, वो भी स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहां एक्स वाई आएगा +3x आएगा, -10y आएगा, -30 आएगा इक्वल्स टू एक्स वाई। फिर इसको उधर भेज देंगे, एक्स 3x और 10y को यहीं रहने देंगे, 3x - 10y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई जाएगा -xy प्लस -30 जाएगा +30, तो xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 3x - 10y = 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू, ठीक है। अब देखिए एकदम इजी है सॉल्व करना, सॉल्व तो इसमें करना कुछ है ही नहीं, यहाँ देखिए 10y प्लस में है, यहाँ 10y माइनस में है, तो इन दोनों इक्वेशंस को बस हम एड अप कर दें तो हमारा वाई एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करने वाले हैं, तो हमारे पास क्या है, -2x + 10y = 20। इसके बाद है 3x - 10y = 30। तो यहां ऐड कर रहे हैं तो साइन तो कोई चेंज होगा नहीं, वही रहेगा, 10y 10y कैंसिल आउट हो गया, -2x + 3x, तो एक्स 20 + 30 50, तो एक्स क्या था, किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन का स्पीड क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम लोग इसको किसी में भी इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन वन या टू में, ठीक है। इक्वेशन वन में पुट करते हैं, पुटिंग x = 50 in 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -2 × 50 + 10y = 20, ठीक है। तो 50 × 2 क्या हो जाएगा, -100 + 10y = 50। हाँ, ये इक्वल्स टू यहाँ 20 है ना, सॉरी यहाँ 20 था, ये भी 20, 10 100 को उधर भेज दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10y = 20 + 100, ठीक है। तो 10y = क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, y = 120/10 = 12 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो किसका वैल्यू है, x का वैल्यू मिला 50 किलोमीटर पर आवर, y का वैल्यू मिल गया 12 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज 12 आवर्स, डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए हमको हमारे पास फॉर्मूला है एक्स वाई, यही है डिस्टेंस, एक्स वाई यानी कि एक्स है 50, वाई है 12, तो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको क्या मिला यहाँ पे, 600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। कहता है कि स्टूडेंट है क्लास के, वो कैसे है? तो वो रोज में जो है वो खड़े हैं। ठीक है, रो बना के खड़े हैं। इसके बाद इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी वन रो लेस। कहता है कि अगर थ्री स्टूडेंट्स ज्यादा कर दें हम हर एक रो में तो एक रो नहीं रहेगा। समझ बात आ रहा है, मतलब एक रो खत्म हो जाएगा। और अगर तीन स्टूडेंट्स घटा दें हर एक रो से, मतलब तीन स्टूडेंट्स कम कर दें और, तो क्या होगा कि जितना रो था एक और रो बढ़ जाएगा। देयर वुड बी टू रोज, सॉरी दो रोज और बढ़ जाएंगे। ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमको निकालना क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो देखिए फिर जैसा ये पिछला क्वेश्चन था ना अभी ट्रेन वाला, वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन में स्पीड और टाइम का बात किया, लास्ट में डिस्टेंस मांग लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एक रो का बात किया और नंबर ऑफ रोज का बात किया, लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांग लिया, है ना। तो वैसा ही क्वेश्चन है एकदम। क्या है कि अगर आपको जैसे ये रो है, हर एक रो में एक दो तीन चार पांच रो है, हर एक में दो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे? 5 × 2 कर देंगे, है ना। सिंपल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसी टाइप से निकलता है। तो 5 × 2 कर देंगे तो यहाँ पे हमको 10 स्टूडेंट्स मिल जाएगा। मतलब 5 क्या है तो नंबर ऑफ रोज है, 2 क्या है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो है ना। उन्हीं दोनों को हमको एक्स एंड वाई मानना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी एक्स एंड नंबर ऑफ रोज बी वाई। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो को एक्स ले लिया, नंबर ऑफ रोज को वाई ले लिया, तो सो क्या हो जाएगा? सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्स इंटू वाई, यानी एक्स वाई, है ना। यही ना, यहाँ पे भी आया 5 × 2 किए, वैसे यहाँ पे एक्स इंटू वाई कर देंगे या एक्स वाई करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, कहता है कि अगर थ्री स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है हर एक रो में, ठीक है, हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हम एक्स लिए हैं, तो हर एक रो में कितना स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है? थ्री स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा है, तो रोज कितने घट रहे हैं? एक रो कम हो जा रहा है, वाई का वाई में एक माइनस हो जा रहा है, पर होगा कितना? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इंटू नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा एक्स वाई है। ठीक है, बिल्कुल देख रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है, वो ट्रेन वाला जैसा ही, बस इसको इंटू ये कर रहे हैं ना। इसके अलावा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा, एक्स इंटू -1 -x आएगा, 3 × y +3y हो जाएगा, 3 × -1 -3 हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स और वाई को छोड़ के बाकी जितना उधर भेज दीजिए तो -x +3y इक्वल्स टू ये एक्स वाई माइनस ये एक्स वाई, -3 तो +3, -xy कैंसिल आउट, -x +3y इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहां मिल गया हमको, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमारा सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है देखिए आगे। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, कहता है कि रो में तीन कम है, हर एक रो में तीन स्टूडेंट्स क्या है? कम है, तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोज कितने बढ़ जा रहे हैं? देयर वुड बी टू रोज मोर, मतलब दो रोज ज्यादा आ गए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे ना, जितना भी आप रो कॉलम में डिवाइड कर लीजिए उसको, लेकिन जो स्टूडेंट है उतने ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हमारे एक्स वाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे x इंटू वाई क्या हो गया? एक्स वाई। फिर x इंटू टू क्या हो गया? 2x। -3 इंटू वाई -3y। 3 × 2 तो -6 इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई को इन दोनों को छोड़ के बाकी उधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x -3y इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई -xy
प्लस सिक्स एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। क्या इजी है, हमारे पास यहाँ पे 3y प्लस में है, यहाँ 3y माइनस में है, बस इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, करने से क्या होगा y एलिमिनेट हो जाएगा और हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा तो वहां से फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, x इंटू y करके। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी बनाया होगा क्लास 7 में 8 में। ठीक है, क्या है यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये है क्या, ये एक ट्राइंगल ए बी सी के एंगल्स हैं, तीन एंगल्स। ठीक है, एंगल सी इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू टू आइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। इसको आपको क्या करना है, इसमें ए एंड बी का वैल्यू, आपको ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारे पास यहाँ पे तीन नंबर्स हैं, एक्स वाई नहीं, यहाँ एक्स वाई जेड हो गया, तो हमको तीन इक्वेशंस भी चाहिए। तो दो इक्वेशंस तो हम यहां से फॉर्म कर सकते हैं, कौन सा, एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी या एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। ठीक है, ये दो इक्वेशन तो यहां से हम फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा इक्वेशन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है ना, तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या है हमारे पास यहाँ पे इम्प्लाइज डेट, आप लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू है थ्राइस ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी यहां पे है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। ठीक है, ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं यहां पर, इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको आप टू ले लीजिए। अब हम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा देखिए थर्ड इक्वेशन आ गया, अब इसी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एंगल ए प्लस बी को रहने दीजिए, सी उधर कर दीजिए, अब बस आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को ऐसा देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम ये कर दें तो इसकी जगह हम एंगल सी लिख सकते हैं, है ना, एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी है, तो यहाँ एंगल ए प्लस बी आ गया, ट्वाइस कर देते हैं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए टू टाइम्स से, टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 360, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एंगल सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, एंगल ए प्लस बी की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल सी। ठीक है, कहां से आया ये, तो हम फ्रॉम टू सेकंड इक्वेशन से हमने ये लिखा है, ये लिख देंगे, सी को इधर लेते आएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360। ठीक है, इंप्लाइज दैट थ्राइस, टू प्लस वन क्या हो गया थ्री ऑफ एंगल सी, थ्राइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360, तो थ्री इधर चले जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 अपॉन थ्री, तो कटेगा 120, देयरफोर क्या हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू आ गया कितना 120 डिग्री। अब हम क्या निकालेंगे, एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे, एंगल बी का वैल्यू देखिए पहला इक्वेशन में, नाउ थ्राइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि थ्राइस ऑफ एंगल बी क्या था, सी के बराबर था, तो ये किसके इक्वल हो गया 120 के, इसको लिख दीजिए, ये कहां से आया, तो फ्रॉम वन से, तो इक्वेशन वन से आया, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया 120 डिग्री अपॉन थ्री, देयरफोर एंगल बी कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, एंगल बी का वैल्यू आ गया, एंगल सी का वैल्यू आ गया, हमको क्या निकालना है, एंगल ए का वैल्यू निकालना है, एंगल ए का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, यही यूज कर लेते हैं या फिर सब ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू
180 डिग्री, तो एंगल ए नहीं पता, एंगल बी पता है 40, एंगल सी पता है 120 इक्वल्स टू 180, तो एंगल ए प्लस 40 प्लस 120 कितना हो गया 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो 160 उधर चले जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारे आंसर्स, ए हो गया 20, बी हो गया 40, सी हो गया 120। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, साथ में डिटरमाइन करना है क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। हमने ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था पहले भी जिसमें हमको कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने थे, कैसा, उसमें क्या था कि ऐसा फॉर्म हुआ था एक लाइंस, दो लाइंस थे, इन तीनों के हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, है ना, उस लाइन का और जो एक्स, दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था उसका। पर इसमें क्या है, इसमें उल्टा है थोड़ा सा, इसमें हमको जो है जो लाइंस है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है और दूसरा लाइन है ऐसा, ठीक है, वाई एक्सिस और दोनों लाइंस के बीच का कोऑर्डिनेट्स मत बताना है जिससे कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वाई एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में उनके कोऑर्डिनेट्स बताने, ठीक है। तो इजी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए पहले जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास 5x - y = 5, है ना, तो y के इधर भेज दीजिए, तो आपके पास पहले हमको y का वैल्यू निकालना है, 5x = 5 + y, 5 इधर भेज दीजिए तो 5x - 5 = y, या देयरफॉर y = क्या आ गया 5x - 5, ठीक है, ये हमारा y का वैल्यू आ गया फर्स्ट इक्वेशन का। इस चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, दो काफी होते हैं x और y, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम x यहां 0 पुट कर दें, ठीक है, x अगर 0 पुट कर दे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 - 5 क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा -5। वैसे अगर x का वैल्यू यहां 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 1 = 5, 5 - 5 = 0, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गया फर्स्ट ग्राफ का, है ना। सेकंड देखिए, जो हमारा सेकंड ग्राफ है वो कहा, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास वो है 3x - y = 3, सेम चीज उधर y भेज दीजिए, 3x = क्या हो जाएगा 3 + y, 3 को इधर भेज दीजिए, 3x - 3 = क्या हो जाएगा y, देयरफॉर y का वैल्यू हमारे पास क्या आया, y = आ गया 3x - 3, ठीक है। ये वैल्यू आने के बाद हमको क्या करना है, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स फिर वैसे ही निकालेंगे, दो काफी हैं x एंड y, ठीक है। x को अगर हम 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी 0 पुट करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा -3, तो y कितना आ गया -3 आ गया, ठीक है। और दूसरा अगर कोऑर्डिनेट का बात करें तो दूसरे में अगर x हम 1 कर दें, x 1 कर दें तो 3 × 1 = 3, 3 - 3 = 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं ग्राफ के, ठीक है, दोनों ग्राफ्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो ग्राफ जो है बना लिए हमने, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ग्राफ में क्या है, तो फिर स्केल का अगर हम बात करें तो स्केल क्या लिए हैं, 1 cm = 1 unit। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे देखिए ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है उसके वर्टिसेस क्या है, तो 0.5, सॉरी 0.-5, 0.-3 और 1.0, तो ये सारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए इस ग्राफ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ जो है खुद से बनाइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन है हमारा, जो फर्स्ट वन है देखिए क्या करना है हमको क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉलोइंग पेयर जो हमको दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। सॉल्व करने देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है बाकी इक्वेशन से, पर सॉल्व करना कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके तो हम इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वही यूज करने वाले हैं लोग। क्या है यहाँ पे देखिए, पहले तो देखिए डिफरेंट साइन वाई के पास है, यहाँ वाई प्लस है, यहाँ वाई माइनस है, तो हम वाई को ही एलिमिनेट करेंगे,
ठीक है, वाई को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग है कॉफिशियंट, कॉफिशियंट अगर डिफरेंट होता है तो दोनों के कॉफिशियंट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, मतलब अगर इसका कॉफिशियंट पी है तो पी से ऊपर वाले को और इसका क्यू है तो क्यू से नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन टू ले लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग वन बाय पी। इक्वेशन वन को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पी इंटू पी, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, वैसे ही ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाइंग टू को, सेकेंड इक्वेशन को किससे करने वाले हैं, क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हो गया एक इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिए वाई को एलिमिनेट, वाई का पी क्यू वाई, पी क्यू वाई दोनों में आ गया तो हमको एलिमिनेट करने के लिए यहां प्लस है या माइनस है, सिर्फ एड करना है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग थ्री एंड फोर, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एड करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, नीचे क्या है, तो है क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। एड करेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होता है एड करते समय, ठीक है सेम रहेगा। तो देखिए यहां क्या कट जाएगा, पी क्यू वाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग पी क्यू वाई कैंसल आउट हो गया दोनों में, और देखिए पी क्यू प्लस है माइनस है ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, तो ये बच रहा है और ये दोनों बच रहा है, तो यहां पे क्या बच रहा है, एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो बच रहा है पी क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच रहा है साथ में, यहां पे भी देखिए पी स्क्वायर बच रहा है प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ यही आया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट होकर क्या आएगा, वन, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, x इज इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस x के वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, पहला इक्वेशन में ही डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, p इंटू वन प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो p इंटू वन क्या हो गया, p p उधर चले जाएगा, क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी हो जाएगा, p प्लस था या माइनस हो गया, p p कैंसल आउट, क्या बचा क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो y इक्वल टू क्या आया, माइनस क्यू अपॉन क्यू, तो क्या आ गया माइनस वन, है ना, क्यू क्यू कैंसल आउट हो गया, बच गया वन माइनस, तो माइनस वन आ गया यहाँ पे। तो देखिए जो हम सॉल्व कर रहे थे पहले इक्वेशन उससे तो काफी इजी था ये वाला, ठीक है इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, तुम्हारा x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन, किसका, सेवंथ का। अब इसका ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड क्वेश्चन, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें माइनस प्लस नहीं है, सेम साइंस है सब में, तो हमको यहाँ पे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब बस पहले डिसाइड करना होगा किसको हम एलिमिनेट करें, किसी को भी कर सकते हैं, पिछले में वाई को किए थे तो इसमें एक्स को कर लेते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग पहले यहां ले लेते हैं इक्वेशन वन, ये हो जाएगा इक्वेशन टू। तो x को एलिमिनेट करने के लिए x का जो ये कॉफिशियंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से और फर्स्ट इक्वेशन के x का कॉफिशियंट को सेकंड इक्वेशन से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय b एंड सेकंड बाय a रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वन को a b से, वन को किससे कर रहे हैं, बी से, और टू को ए से कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू बी सी। इसके बाद यहां अगर इसको ए से कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी एक्स
इसको कर रहे हैं ए, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ए सी, ये हो गया हमारा थ्री, ये हो गया फोर। तो सिंपली हम देखिए यहां क्या करेंगे, हम थ्री में फोर को माइनस कर देते हैं, थ्री में फोर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, सब माइनस हो गए। तो अब ए एक्स ए बी एक्स ए बी एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो यहां वाई ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आया बी सी माइनस ए माइनस ए सी, ठीक है, ये आया हमारे पास बी सी माइनस ए माइनस ए सी, ये आ गया। इसके बाद अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे देखिए हमारा y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू ये आ गया। देखिए आंसर में y का वैल्यू अलग हो सकता है, कैसे अलग हो सकता है, अगर इसको उल्टा अगर हम माइनस करते, फोर में थ्री को माइनस करते तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो इन सब का साइन अलग होता, ठीक है। ऐसे भी आप, या अगर हम और करके y का वैल्यू लिखें तो दूसरा वैल्यू भी y का हो सकता है, क्या हो सकता है, नीचे का साइन चेंज कर दें, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें तो ऊपर का भी साइन चेंज हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा ए सी प्लस ए हो जाएगा माइनस बी सी, बी सी प्लस में था तो माइनस, ये दोनों माइनस में था तो प्लस में, ठीक है। बस ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है y का, ये भी लिखते हैं आप तो सही है, ये भी लिखते हैं तो सही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए हमको y का वैल्यू पुट करना होगा, चलिए पुट करते हैं, किसमें पुट करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं y का वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू, देख लीजिए आप जो भी वैल्यू रखिएगा उसके हिसाब से आपको क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हमको जो पहले मिला था हम वही वैल्यू पुट करते हैं, बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसमें, तो इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में हम रख रहे हैं, तो ए एक्स तो वैसे ही रह जाएगा प्लस बी, बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे इक्वेशन से बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, तो सी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, बी बी इंटू बी बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब इस पूरे को उधर भेज दीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों से सी मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इंटू सी माइनस ए स्क्वायर सी, अब माइनस का साइन है तो सारा साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा प्लस ए बी, ये हो जाएगा प्लस ए बी सी अपॉन क्या है, तो अपॉन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर सी कैंसल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए एक्स है, तो देखिए इन सब में ए है ना, यहाँ पे भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए को कॉमन ले लीजिए, ए को आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ माइनस ए सी प्लस सॉरी यहाँ प्लस बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ए यहाँ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस ए सी प्लस बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्स का वैल्यू। यहाँ पे आया था वाई का वैल्यू, देखिए देखिए वाई का वैल्यू में जो हम लोग किए थे बी और ए को इंटरचेंज किए थे, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ ए को पहले लिख दें बी को बाद में लिख दें तो ये उस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा, ए सी प्लस हो जाएगा बी माइनस हो जाएगा बी सी भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो
आपका आंसर हो सकता है कि ये भी दिया हो या ये दिया हो, ठीक है, दोनों आंसर सही है जैसे कि हमने, लेकिन आपको जो आंसर आया है उसके हिसाब से ये लिखना है, ठीक है। अगर हमने ये आंसर निकाला है तो ये हम नहीं लिखेंगे उस समय, ठीक है, ये आंसर नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन आर एक्स इज इक्वल टू इतना एंड वाई इज इक्वल टू ये, ठीक है। अगर हम इसका अपोजिट मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम ए स्क्वायर वाला माइनस बी स्क्वायर वाला ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है सेवन का, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है एक्स एंड वाई का, ठीक है। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से ही, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जो थोड़ा सा इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बस उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे हमको एक का वैल्यू तो पक्का मिल जाता है, इसलिए हम उसी से ज्यादातर सॉल्व कर रहे हैं। आप अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका इच्छा है। अब यहाँ पे अगर आप पहले इस इक्वेशन को देखें तो पहले इसको हम नॉर्मल करेंगे, कैसे, तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी, ए बी हो जाएगा तो यहाँ क्या हो गया बी एक्स माइनस है बीच में और ये क्या हो जाएगा ए वाई इक्वल्स टू जीरो। ए बी को उधर मल्टीप्लाई करने भेज दीजिए तो बी एक्स माइनस ए वाई जीरो इंटू एनी थिंग इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये इक्वेशन वन था, ये कितना था टू था, अब ये क्या आ गया थ्री आ गया, है ना। टू और थ्री को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमको किसी चीज से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, कोफिशिएंट्स को सेम करना होगा। कोफिशिएंट्स देखिए इस बार हम लोग फिर वाई का सेम करने वाले हैं, क्यों वाई का सेम करने वाले हैं, क्योंकि वाई के आगे माइनस है और प्लस है, अलग अलग साइंस पहले से ही है तो हमको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ वाई के कोफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है बी और यहाँ क्या है ए, तो मल्टीप्लाइंग टू बाय इससे तो ए से, सेकेंड इक्वेशन को ए से और एंड थर्ड इक्वेशन बाय बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली हमने क्या किया, टू को ए से कर दिया और थ्री को बी से कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पे, हमारे पास आ गया इसको किससे किए हैं ए से किए हैं, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर तो ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए बी स्क्वायर, सॉरी ये हो गया ए बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई हुआ है सारा। अब इसको अगर हम b से कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, बी स्क्वायर एक्स हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है प्लस ए बी वाई, ठीक है, माइनस है यहाँ माइनस देंगे, इसके बाद क्या है जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन ले लीजिए फोर और ये हो गया आपका फिफ्थ वन, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फोर को फाइव में एड करने वाले हैं, एड करेंगे, लिख लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है, जो हमने इक्वेशन लिखा था उसको लिख लिया, यहां पे ऐड करने वाले हैं, ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा नहीं, ए बी वाई कैंसल आउट, इसमें देखिए क्या है बी स्क्वायर वाई एक्स है, तो इनमें एक्स आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है क्या तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, दोनों से ए कॉमन ले लीजिए, ए अगर आप कॉमन ले ले तो देखिए यहाँ क्या बचता है ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचता है बी स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया ए आ गया, है ना, एक्स का वैल्यू यहां पे क्या आ गया हमारा ए आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन वन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहां, तो देखिए क्या हो गया ए अपॉन ए
माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ए अपॉन ए क्या हो गया वन, माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, वाई अपॉन बी को उधर भेज दीजिए तो वन इक्वल टू वाई अपॉन बी, बी को इधर कर दीजिए तो बी इंटू वन बी इक्वल टू वाई, देयरफोर वाई इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यही लिख देंगे लास्ट में। तो हमको मिल गया यहाँ पे थर्ड का भी सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर फोर, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन का, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, तो a माइनस बी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज ए प्लस बी ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देखिए सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ईजी हो समझने में, ठीक है, समझने में आसान हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए इंटू एक्स ए एक्स बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी है माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह अगर ये वाला इक्वेशन को करते हैं, देखिए क्या है, ए इंटू एक्स ए एक्स बी इंटू एक्स बी एक्स ए इंटू वाई ए वाई बी इंटू वाई बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन टू ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए कॉफिशियंट्स किसके सेम है, ठीक है, कॉफिशियंट सेम है वाई के, बोलिएगा एक्स के क्यों नहीं सेम है, क्योंकि एक्स यहां पे एक प्लस है एक माइनस है, दूसरा दोनों में प्लस है, तो इसलिए यहां पे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको सेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर यहां पे देखें हम किसको, वाई वाला कॉफिशियंट देखें, तो वाई यहां पे क्या है, ए है बी है, यहां पे भी ए है बी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बस इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू कर देंगे, ठीक है, वन माइनस टू करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए क्या होगा, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो रहा है, ये भी ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारा माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। तो अभी ए एक्स प्लस था माइनस था कैंसल आउट, दोनों बी एक्स माइनस था तो माइनस टू बी एक्स आ गया, ए वाई कैंसल आउट, बी वाई कैंसल आउट, बचा क्या, यहाँ बचा ए स्क्वायर कैंसल आउट, बचा क्या तो माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए कुछ नहीं बचा यहाँ, माइनस टू ए बी बचा ये वाला, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो माइनस टू बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस माइनस टू बी को उधर भेज देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, टू बी कॉमन आ जाएगा, टू बी अगर आप कॉमन ले लें तो बचता क्या है, यहाँ ए, यहाँ बीच में प्लस क्योंकि माइनस ले लिए और यहाँ बी बचा, ठीक है, अपॉन हमने ये माइनस टू बी को यहाँ भेज दिया है तो माइनस टू बी कैंसिल आउट, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी। अब हमको क्या निकालना है, y निकालना है, तो y निकालने के लिए हम लोग जैसे ये जैसे हमने लिया था, चलिए इसको जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन लिया इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, इसको टू ले लीजिए, इन दोनों को थ्री और फोर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए, हम थ्री में फोर को माइनस किए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है आसान होगा ऊपर वाले में पुट करके हमको y का वैल्यू निकालना। तो इक्वेशन वन में हम x का वैल्यू पुट करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू ए प्लस बी इन इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, x का वैल्यू क्या आया, a प्लस बी, x की जगह लिख दिए a प्लस बी, प्लस क्या है, a प्लस बी y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई
इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। वैसे लिख लिए, यहाँ ए स्क्वायर था प्लस, यहाँ आ गया माइनस, बी स्क्वायर था माइनस, यहाँ आ गया प्लस। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, बचा क्या तो माइनस टू ए बी बचा, ए प्लस बी को उधर भेज दीजिए तो वाई इक्वल टू माइनस टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये हो गया वाई का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर जो है सेवन्थ का वो कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर सेवन का फिफ्थ वन और क्वेश्चन नंबर एट बचा है। ठीक है, पांच मिनट में उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का फिफ्थ वन और क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन का फिफ्थ वन को अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें देखिए हम टू को कॉमन ले सकते हैं, टू को कॉमन लेंगे यहां पर तो देखिए क्या आएगा, टू सेवन सर फोर्टीन एंड टू सिक्स सर ट्वेल्व एक्स, टू कॉमन ले रहे हैं माइनस क्या है तो देखिए टू वन सर टू, टू एट सर सिक्सटीन, टू नाइन सर इक्वल्स टू टू इंटू माइनस थर्टी सेवन। तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, सेवेंटी सिक्स एक्स माइनस वन एटी नाइन वाई इक्वल्स टू माइनस थर्टी सेवन। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, फिर टू कॉमन ले सकते हैं तो टू कॉमन ही लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन एटी नाइन एक्स प्लस सेवेंटी सिक्स वाई इक्वल्स टू टू इंटू माइनस थ्री जीरो टू। तो ये टू टू फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन एटी नाइन एक्स प्लस सेवेंटी सिक्स वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री हंड्रेड टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, कैसे करेंगे आपको डिसाइड कर लीजिए किसको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको वाई को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशियंट 189 तो इसको 189 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ y का कोफिशियंट 76 इस इक्वेशन को 76 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कीजिएगा y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर x को करना चाहते हैं तो इसको 189 से और इसको 76 से कर दीजिए तो क्या होगा, फिर आप ऐड कीजिएगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर एट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको फाइंड द एंगल्स, एंगल्स निकालने हैं सारे। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे बनता है और साथ में, ठीक है, अंदर बनता है सर्कल के, साथ में उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अपोजिट एंगल्स वाला प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन है हमारे पास सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 180 डिग्री इंप्लाइज डेट क्या आएगा, यहां पे देखिए इन दोनों का सम, मतलब पहले ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इंप्लाइज डेट। एंगल ए क्या है, 4y प्लस 20 माइनस है 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 20 को उधर भेज दीजिए, आपके पास क्या है 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 इंप्लाइज डेट 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 160 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। इसमें भी आप 4 कॉमन लेके खत्म कर सकते हैं तो इक्वेशन आसान शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे इक्वेशन का बात करें, सेकेंड जो आएगा हमारा ये हो गया अपोजिट एंगल, मतलब एंगल बी प्लस एंगल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल बी क्या है 3y माइनस 5, एंगल डी क्या है माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री 5 5, यहाँ कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास 3y माइनस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। ठीक है, तो अब एक बार इसको कर ही लेते हैं थोड़ा सा, अगर इसमें हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा 4 इंटू वाई, यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 40। तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40।
ठीक है। तो अब देखिए एकदम इजी है, हम क्या करेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेंगे। कैसे? तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 प्लस x, है ना, x उधर जाएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 40 प्लस x आ जाएगा, और यहाँ पे y का वो वैल्यू पुट कर दीजिए, उससे आपको x मिल जाएगा, x मिलने के बाद फिर y का जो वैल्यू है 40 प्लस x, उससे y निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकालने के बाद हमको हर एक में एंगल ए में वैल्यू पुट करके बी में सी में डी में सब में एक्स वाई का वैल्यू पुट कीजिए और एंगल्स निकालिए, ठीक है। हाफ पार्ट इसका मैंने कर दिया, हाफ आपका है होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज था वो कंप्लीट कर लिया, यानी कि फाइनली जो है मैथ्स का चैप्टर 3 जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ फिनिश हो गया, ठीक है। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।